नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर दोस्तों आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सीताफल और उनके पत्ते और बीजों से कौन कौन सी बीमारी से इलाज होते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है सीताफल और उसके पत्ते और बीज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें रेड कलर का बटन है इसे दबा कर सब्सक्राइब करें बाजू में एक बैल उसे दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे जो दोस्त भाई बंधु माता बहन इन लोगों ने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि सीताफल जी हाँ सीताफल से हमें कौन कौन सी बीमारी से निजात मिल सकती है पितरों पके सीताफल को रात में ओस में रखकर सुबह सेवन करने से पित्त की जलन समाप्त होती है तो बहुत ही आसान तरीका है पके हुए सीताफल को आपको बाहर रख देना है जहां ओस गिरती हो और सुबह उसको आप सेवन कीजिए पागलपन सीताफल की जड़ का चूर्ण पागलपन में दिया जाता है इससे दस्त लगकर पागलपन दूर हो जाता है बहुत ही आसान उपाय है इसकी जड़ का चूर्ण बना के देना है आपको पेशाब ना आना सीताफल की बेल की जड़ को पानी में घिस पीने से रुका हुआ पेशाब आना शुरू हो जाता है तो आपको जो है सीताफल की जो जड़ है उसको आपको घिसना है घिसने के बाद उसे पीना है पानी के साथ तो आपकी जो आना शुरू हो जाएगी मासिक धर्म का बंद होना मासिक स्त्राव बंद हो गया हो तो सीताफल के बीज को पीसकर बत्ती बना लें और इस बत्ती को योनि में रखें इसके प्रयोग से बंद मासिक स्त्राव शुरू हो जाता है स्टीरिया स्टीरिया से पीड़ित स्त्री को यदि बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे हो तो सीताफल के पत्तों का रस निकालकर नाक में कुछ कुछ बूंद डालें इससे बहुत दूर होगी घाव में कीड़ा पड़ना जी हाँ दोस्तों अगर आपके घाव में कीड़ा पड़ गया है तो क्या करें सीताफल के पत्तों को पीसकर चट्टी बनाएं और इसमें सेंधा नमक जी हाँ दोस्तों सेंधा नमक मिलाकर पोटली बना लें ये पोटली घाव पर बांध दें घाव पर रखा हुआ कीड़ा नष्ट हो जाएगा बहुत आसान उपाय है श्वास रोग जिसे हम दवा भी कहते हैं सीताफल की छाल यहाँ दोस्तों सीताफल की जो छाल होती है उसका काढ़ा बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने से दमा से बहुत राहत मिलती है दमा ठीक हो जाता है जुए अधिक होना अगर आपके सर में जुए अधिक हो गए हैं तो सीताफल के बीज जो होते हैं उनको पीस कर सिर पर लगाएं, इससे जुए मर जाएंगे अतिशुदा भस्म रोग सीताफल का सेवन प्रतिदिन करने से भस्मक यानी कि बार बार जो भूख लगता है ये भी एक रोग होता है तो ये रोग समाप्त हो जाता है गर्भपात सीताफल के बीजों का चूर्ण पाँच से दस ग्राम की मात्रा में या जहाँ दोस्तों सीताफल के बीज का चूर्ण पाँच से दस ग्राम की मात्रा में या काढ़ा लगभग एक ग्राम का चौथाई भाग की मात्रा में दिन में चार बार सेवन करने से गर्भ होता है पित्त पथरी पित्त पथरी के रोग से पीड़ित रोगों को प्रतिदिन सीताफल के पच्चीस मिलीलीटर रस में सेंधा नमक मिलाकर पीना चाहिए इससे पथरी गरम समाप्त होती है एलर्जी या दोस्तों अगर आपको एलर्जी हो गई है तो क्या करें सीताफल के बीजों को पीसकर शहद के साथ तीन दिन में तीन बार चाटने से एलर्जी धीरे धीरे दूर हो जाएगी नहरुआ जी हाँ तो दोस्तों अगर नहरुआ रोग के रोगी को सीताफल के पत्तों को पीसकर टिकिया बना कर जो है घाव पर बांध दें इससे घाव से बाल निकलकर घाव ठीक हो जाएगा तो जो है आपको घाव में बांधना है रुआ में तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद